हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 5 फोन्स अंडर 10,000। दोस्तों जो कि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन फ़ोन मैं लेके आ गया हूँ और काफ़ी सर्वे करने के बाद ही अपने लिस्ट में टॉप 5 फोन्स को 10,000 के अंदर के टॉप 5 फोन्स को ला पाया हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सारे चीज़ को मैंने देखा है सर्वे के दौरान। उसके डिस्प्ले की साइज़ को देखा है, उसकी बैटरी को देखा है, उसका प्रोसेसर, एंड्रॉयड वर्जन, वेरिएंट, सारे चीज़ों को मैंने देख के ही अपने लिस्ट में शामिल किया दोस्तों टॉप 5 के लिस्ट में। इन सारे फ़ोन्स में बेसिक फीचर तो होनी चाहिए, कम से कम मीडिया टेक हीलियो P22 की प्रोसेसर होनी चाहिए या फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 की प्रोसेसर होनी चाहिए दोस्तों, और उसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी होनी चाहिए। उससे कम तो नहीं है दोस्तों मेरे लिस्ट में, उससे ऊपर हो सकती है। बेस वेरिएंट कम से कम 332 GB की होनी चाहिए दोस्तों, और उसके बाद डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6 इंचेस की HD+ डिस्प्ले LCD भी होनी चाहिए दोस्तों कम से कम। इन सारे फ़ोन्स के लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहाँ से विजिट कर पाओगे, वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से परचेज कर सकते हो या फिर EMI का भी ऑफर उठा सकते हो दोस्तों। नो कॉस्ट EMI अच्छे अच्छे बैंकों पर, यानी कि स्टेट बैंक वगैरह पे नो कॉस्ट EMI चल रहा है दोस्तों, वहाँ से आप परचेज कर पाओगे EMI पर भी दोस्तों, और कुछ कार्ड भी यूज़ कर सकते हो तो 10% कम से कम डिस्काउंट, या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ करते हो तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको हर एक बार बोलता हूँ, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो पांचवें नंबर पर फ़ोन है दोस्तों वो है Redmi 8। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन और बजट रेंज की फ़ोन है दोस्तों, और इसमें देख सकते हैं फ्रंट में नीचे की तरफ बैजिंग मिल जाएगी, ऊपर फ्रंट कैमरा मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, जो कि बढ़िया बढ़िया सेल्फी आपको क्लिक करके दे सकता है। और बैक कैमरे के बारे में बात करें तो 12+2 मेगापिक्सल का इसमें डुअल बैक कैमरा आता है दोस्तों। 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ साथ 6.22 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, और इसमें दोस्तों गूगल लेंस का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा दोस्तों। जहां तक इसकी प्रोसेसर के बारे में बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा कोर की प्रोसेसर है दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड पाई 9 की सपोर्ट मिल जाएगी, और अपडेट के साथ एंड्रॉयड 10 भी हो सकता है दोस्तों। वेरियंट की बात करें तो 64+4 GB की वेरियंट है दोस्तों, और इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो 9999 इसकी प्राइस रखी गई है दोस्तों इंडिया में, जो कि 10,000 के नीचे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बजट वाली फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो चौथे नंबर पर फ़ोन है दोस्तों वो भी रेडमी की ही है, रेडमी 8 है दोस्तों। रेडमी 8 की छोटा भाई रेडमी 8A। क्यों मैंने इसे फोर्थ पे रखा है, इसे मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा क्यों मैंने रखा है, सारा डिटेल में बताऊंगा। इसकी जहां तक प्रोसेसर के बारे में बात करें तो एकदम सेम प्रोसेसर है रेडमी 8 की तरह, स्नैपड्रैगन 439 ऑक्टा कोर, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम है दोस्तों एंड्रॉयड पाई 9। और इसकी वेरिएंट्स के बारे में बात करें 2+32 GB, 3+64 GB के दो वेरिएंट है दोस्तों, और इसे परचेज करने जाएं तो 2+32 GB की प्राइस 8130 है और 3+64 GB की प्राइस 9413 है दोस्तों। प्राइमरी कैमरे के बारे में बात करें तो 13+2 मेगापिक्सल के दो कैमरे हैं दोस्तों, और रेडमी 8 में 12+2 मेगापिक्सल का था, तो 1 मेगापिक्सल इसमें ज़्यादा है दोस्तों। और सेकेंडरी कैमरा एकदम सेम 8 मेगापिक्सल का है, बैटरी 5000 mAh, और डिस्प्ले भी आपको दोस्तों 6.22 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले है, इसीलिए मैंने दोस्तों इसे फोर्थ नंबर पर रखा है अपने लिस्ट में दोस्तों। और इसकी प्राइस भी दोस्तों काफ़ी कम है, और साथ में इसमें फिंगरप्रिंट भी आपको देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, रेडमी 8 में आपको देखने को मिल जाती है, और रेडमी 8A में आपको फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। दोस्तों हमारे लिस्ट में जो थर्ड नंबर पर फ़ोन है वो है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 9। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों, 6.6 इंचेस की HD+ डिस्प्ले के साथ आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और साथ ही क्वाड रियर कैमरे की सेटअप मिल जाएगी दोस्तों, जो कि एक 13 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, अच्छे अच्छे व्यू में अच्छे अच्छे शॉट्स आपको दे देगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाएगा। साथ ही इसकी वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो 64+4 GB की वेरिएंट्स है दोस्तों, और प्रोसेसर के बारे में बात करें तो मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर है दोस्तों, और एंड्रॉयड 10 के साथ आपको ये दोस्तों फ़ोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जहाँ तक प्राइसिंग की है बात है, उसकी प्राइसिंग है दोस्तों 9499 रुपीज़। इसे आप परचेस कर सकते हो दोस्तों, इन्फिनिक्स अच्छी अच्छी फ़ोन को लॉन्च कर रहा है इंडिया में, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है।
दोस्तों हमारे लिस्ट में जो अगला फ़ोन है, सेकंड नंबर पर फ़ोन है दोस्तों, वो है मोटोरोला G8 पावर लाइट। दोस्तों ये भी एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, 4+64 GB की रैम और रोम इसमें देखने को मिल जाएगी दोस्तों। क्वाड रियर कैमरे की सपोर्ट मिल जाएगी, 16+2+2 मेगापिक्सल, जो कि 16 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा है दोस्तों। और फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो 8 मेगापिक्सल का दोस्तों इसमें फ्रंट कैमरा है, जो कि दोनों ही कैमरा आगे और पीछे की दोनों ही कैमरा बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। बैटरी के बारे में बात करें तो बड़ी बैटरी है, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले भी है दोस्तों इसमें। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो MediaTek Helio P35 और ऑपरेटिंग सिस्टम Android Pie 9 है। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 9999 है दोस्तों, जो कि 10,000 के अंडर में बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है दोस्तों। और ऑफ़र के समय में ऊपर नीचे इसकी प्राइस फ्लैक्चुएट भी करती रहती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी शानदार फ़ोन है दोस्तों। ये दोस्तों हमारे लिस्ट में जो अगला फ़ोन है, सबसे टॉप नंबर पर फ़ोन है दोस्तों, वो है रियलमी नार्जो 10 है दोस्तों। ट्रिपल रियर कैमरे के साथ ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा, और साथ में फ्रंट कैमरा की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी है दोस्तों। फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस फ़ोन में है दोस्तों, और उसके साथ साथ MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर है दोस्तों। और 6.5 इंचेस की HD+ LCD डिस्प्ले के साथ साथ 3 कार्ड स्लॉट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। Realme की बड़ी बैजिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में इसके वेरिएंट्स के बारे में बात करें तो 3+32 GB, 4+64 GB है दोस्तों। और इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो 8999 के साथ 9999 आपको इसमें प्राइसिंग है दोस्तों इस फ़ोन की। और इसके डिजिटल जूम की बात करें तो 4x तक इसकी कैमरा को जूम कर सकते हैं दोस्तों। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो एंड्रॉयड 10 है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको इनमें से सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा लगा, आप कौन सा परचेस करने वाले हो दोस्तों। इस सेल के दौरान 15 तारीख तक सेल है दोस्तों, इस सेल के दौरान कौन सा फ़ोन आप परचेस करने वाले हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ठीक है, बाय, टेक केयर, अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।